जब हम पद पे बैठते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में हो, मैं ये नहीं कह रही कि केवल जाट की मदद करनी है, जो भी दुखी हो, जो भी पीड़ित हो, न्याय के साथ खड़े रहना है। उसमें जाट बंधु भी हो सकता है, उस वक्त जाट बंधु की मदद करने से ये सोच कर पीछे न हटे कि हम जातिवाद का छप्पा नहीं लगे। आप जिस समाज से है उसकी मदद करने का, उसको आगे लाने का भी आपके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी है जितना एक परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने समाज के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ काम करेंगे। समाज के अंदर जब कुरीतियों की बात आती है, अभी माता राम जी कुछ बोल रहे थे कि अब अंग्रेजी में बोलने लगे, पहले मारवाड़ी में बोलते थे। हम तो पुरानी कुरीतियों को खत्म नहीं कर पाए, नई नई रीतियां और बढ़ने लग गई, खर्चा और बढ़ने लग गया, कैसे कैसे अपने रिवाज शुरू कर दिए जो अपने यहाँ बरवाड़ में होते नहीं थे। पैसे आने से साथ, तरक्की आने के साथ रिवाज कम करने की बजाय हम तो बढ़ाने में लगे, मुकाबला करने में लगे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि नई नई रीतियों को हम नहीं लाए, अपने सब मिलजुल कर कितनी कुरीतियों को हम कर सकते हैं इसका सब मिलकर प्रयास करें। और मेरा मानना है कि मेरी माताएं बहनें इसके अंदर अगर मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी तो ये बहुत सारी जो नई नई रीतियां हम समाज में ला रहे हैं, उन समाज को हम इससे सुधार कर सकते हैं। बाकी नशे की आप सबको पता है कि जैसे एक वक्त उल्टा पंजाब हो रहा था, इस वक्त उल्टा बाड़मेर हो रहा है, उल्टा बाड़ हो रहा है, और ये हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस पे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारी ताकत यूं धुएं में ना हो जाए, हमारी ताकत यूं कम ना हो जाए, ये जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब मिलकर समाज के लिए मजबूती से काम करें, मेरी आप सबसे यही आग्रह है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे सबने अपना अपना सहयोग दिया है। मेरे मन में बहुत टाइम से, जब से आपने आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया और यहाँ के क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, मेरे मन में था कि शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। और मेरे मन में विचार आया कि क्योंकि मेरा एक लिमिटेड एरिया है, बाड़मेर विधानसभा की जितनी भी सरकारी सीनियर स्कूल है उन सब के अंदर मैंने ये तय किया है कि स्मार्ट टीवी हर सीनियर स्कूल के अंदर आपकी ये बेटी आपके बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने नन्नों मुन्नों के लिए हर स्कूल के अंदर व्यवस्था करेगी। और आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने अपने पंचायत की स्कूलों का अगर सुधार करें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का जो भविष्य है बहुत उज्ज्वल हो सकता है। और यहाँ जो कॉलेज, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, इसके अंदर बहुत सारे युवा पढ़ते नौकरी में निकले हैं। मेरा ये आग्रह रहेगा कि बच्चे जब तक यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये प्रयास करें कि अपने से जूनियर वाले बैच को, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता, अपने से जूनियर वाले बैच को वो साथ साथ में पढ़ाते रहे, कोचिंग करते रहे, तो निश्चित रूप से उनको भी इसका फायदा होगा और जो पढ़ रहे स्टूडेंट उनको भी उसका लाभ मिलेगा। अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं मेरे सामने, एक चुनौती में तो आप सबने आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हर चुनौती का डटकर मुकाबला करूंगी, आप सबके भरोसे पर खड़ी उतरूंगी। जब भी आपको कहीं जरूरत हो अपनी इस बहन को आवाज देना, आपके साथ खड़ी मिलूंगी, आपके सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ। और अपने बुजुर्गों के आदर्शों पर चलते हुए हम सब मिलकर अपना, अपने समाज का और अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज, 3600 के लोग जो न्याय मांगते हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो कमजोर है, उनकी भी मदद करें, यही आप सबको कहना चाहती हूँ। आप सबने जो इतनी संख्या में आए, धन्यवाद। जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद।